हाय एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगी घर में हम बाज़ार जैसी चिकन मलाई तंदूरी कैसे बना सकते हैं, उसका मैरिनेशन हमें किस तरह से प्रिपेयर करना है, बिना तंदूर बिना ओवन के हम पैन पे सॉफ्ट एंड जूसी मलाई तंदूरी कैसे बना सकते हैं। तो प्लीज़ आप ये वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आपको हर स्टेप अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने देखिए 200 ग्राम चिकन ले लिया और उसमें देखिए इतने डीप मैंने कट लगा दिए हैं। आप भी इसी तरह से चिकन के ऊपर डीप कट्स लगा दें ताकि जब हम इसमें जो भी मसाले लगाएं उनका टेस्ट अंदर तक चला जाए। आप चाहें तो इतना बड़ा पीस ना लेके छोटे छोटे पीसेस का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें करेंगे मैरिनेशन। मैरिनेशन के सबसे पहले मैं फर्स्ट मैरिनेशन कर रही हूँ। फर्स्ट मैरिनेशन में मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून के करीब सॉल्ट, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। 1/2 टीस्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ विनेगर। विनेगर चिकन या मटन को गलने में हेल्प करता है। अब इन सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह से चिकन में मिक्स कर दूंगी। मसाज कर करके लगाएंगे पूरे चिकन के आगे पीछे हर जगह कि अच्छी तरह से मसाला इस पर कोट हो जाए। तो ये देखिए मैंने इसे यहाँ पर लगा लिया है। अब इस मैरिनेशन के साथ हम चिकन को ढक के फ्रिज में रखेंगे 1/2 आवर के लिए और फिर 1/2 आवर के बाद देखते हैं कि हमें आगे कौन सा प्रोसेस स्टार्ट करना है। 1/2 आवर हो गया है, अब मैंने चिकन को फ्रिज से बाहर निकाल दिया है। अब मैं प्रिपेयर कर रही हूँ सेकेंड मैरिनेशन। सेकेंड मैरिनेशन के लिए मैंने यहाँ पर ऐड किया है 2 टेबलस्पून के करीब फ्रेश क्रीम। 2 टेबलस्पून मैं इसमें डालूंगी काजू का पेस्ट। 8 से 12 काजू को मैंने पहले पानी में उबाल लिया है, उसका पेस्ट ऐड किया है यहाँ पर। 2 टेबलस्पून ही मैं इसमें डालूंगी हंग कर्ड, जो भी दही हमारे पास होता है आप उसको कॉटन के कपड़े में दबा के रख लें, उसका सारा पानी निचोड़ लें तो वो हंग कर्ड बन जाता है। 1 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें चीज़ ऐड किया हुआ है। 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया व्हाइट पेपर पाउडर, क्योंकि इसमें हम ग्रीन या रेड चिली नहीं यूज़ कर रहे हैं। 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पे यूज़ किया एरोमेट पाउडर और थोड़ा सा मैंने इसमें 1/4 टीस्पून के करीब यूज़ किया इलायची पाउडर। 1/4 टीस्पून के करीब डालेंगे हम काला नमक और 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें डाल दिया है बटर। अब 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पर ऐड किया कसूरी मेथी का पाउडर। कसूरी मेथी को हल्का सा भून के उसको पीस लें, उसका पाउडर रेडी हो जाएगा। अब इन सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। यहाँ पे मैंने चीज़ ऐड किया है, वो थोड़ा सा सॉलिड है तो उसे भी मैं अच्छी तरह से मेल्ट करूंगी और जब तक हम इसे मिक्स करेंगे तब तक ये लम्प फ्री नहीं हो जाता। अब यहाँ पर हमारी मैरिनेशन रेडी हो गई है। अब इसे हम डाल देंगे हमारे मैरिनेटेड चिकन में, सारा मसाला अच्छी तरह से डाल देंगे। अब इस मसाले को भी हम चिकन पे उसी तरह से लगाएंगे जैसे हमने फर्स्ट मैरिनेशन के वक्त लगाया था। अच्छी तरह से मसाज कर करके लगाना है ताकि चिकन के हर हिस्से में हमारा मसाला चले जाए, कोट हो जाए और जब हम इसे मैरिनेट करें दोबारा तो ये अच्छी तरह से इन सारे मसालों को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर ले। तो ये देखिए जो हमने यहाँ पे कट्स लगाए थे उसके अंदर भी मैंने मसालों को भरा हुआ है। बस अब ये यहाँ पर पूरी अच्छी तरह से मैंने लगा दिया है। अब हम इसे इस मसाले के साथ 2 घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। फ्रिज में ढककर मैरिनेट करना है हमें, ओपन रख के मैरिनेट मत करना। 2 घंटे बाद मैं आपको सही तरीका बताऊंगी कि तवे पे हमें तंदूरी को कैसे फ्राई किया जाता है। तो मिलते हैं 2 घंटे के बाद। अब यहाँ पर देखिए 2 घंटे हो गए हैं। 2 घंटे होते ही मैंने चिकन को फ्रिज से बाहर निकाल दिया, उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे आने दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर पैन रखा है गर्म होने के लिए। अब यहाँ पर पैन गर्म हो गया है, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल और ऑयल को हम इस तरह से पैन के चारों तरफ फैला देंगे और अब इस ऑयल को हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे। फ्लेम हमें मीडियम टू लो रखनी है, हाई की तरफ नहीं जाना। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चिकन और जो भी मैरिनेशन हमारा पैन में बाउल में बच गया वो सारा मैरिनेशन मैं इसके ऊपर अच्छी तरह से लगा दूंगी। मैरिनेशन हमें वेस्ट नहीं करनी है। अब इसी मीडियम टू लो हीट पे मैं इस चिकन को 2 से 3 मिनट ऐसे ही पकने दूंगी। अगर आपको लगे कि आपका मसाला नीचे से जल रहा है, ऑयल कम है, तो हमें साइड से इसमें थोड़ा सा 1 से 1.5 टेबलस्पून के करीब ऑयल ऐड करना है। एक साथ में पूरा नहीं ऐड कर देना है और इस तरह से पैन हिला हिला के हम चिकन को थोड़ा सा अलग करेंगे क्योंकि हमने इसमें काजू ऐड किया और काजू में टेंडेंसी होती है कि वो बर्तन को चिपकता है, तो इसलिए हम इसे बार बार हिलाते रहेंगे। तो देखिए मैंने अब साइड चेंज कर दिया और हल्का सा इसमें ब्राउन कलर आ गया है। अब हमें इसे इस साइड पे भी करके 2 से 3 मिनट तक इसी तरह से लो हीट पे पकाना है और ऐसे ही हम पैन को थोड़ी थोड़ी करके हिलाते रहेंगे ताकि हमारा चिकन जो है पैन को चिपके ना। अब मैं यहाँ पर इसे ढक दूंगी, एकदम लो हीट कर दूंगी और मैं इसे 4 से 5 मिनट तक पकने दूंगी इस साइड पे। एक बार ये पक जाए फिर आपको ओपन करके दिखाती हूँ।
अब चिकन को लो हीट पे पकते हुए 5 मिनट हो गया है, तो अब मैं इसे ओपन करके देख लेती हूँ। तो ये देखिए, अब हम इसे थोड़ा सा हिलाएंगे और इसे पलट देंगे। आप यहाँ पे प्लीज़ स्पून या किसी चीज़ का यूज़ करिएगा। अब देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा जो मसाला है निकल गया है, तो जो भी चिकन का मसाला हमारे नीचे की तरफ गया हम उसे अगेन इस पर चिपका देंगे। अब साइड्स में देखिए, जो भी मसाले से ब्राउन कलर के, डार्क ब्राउन या ऐसे कलर में दिख रहे हैं, वो सारे मसाले हमें साइड से रिमूव करना है, क्योंकि ये अगर हमारी तंदूरी में चिपक गए तो ये बहुत गंदा सा फ्लेवर देते हैं, लुक भी अच्छा नहीं देगा। क्योंकि काजू है तो ये चिपके गई, तो आपको इस चीज़ का अच्छी तरह से ख्याल रखना है और बार बार इसे हटाते रहना है। अब हम देखिए चिकन को एक बार फिर से और पलट देंगे। अब मैं इसे पलट के ढक दूंगी। ढक के अगेन मैं इसे 4 से 5 मिनट तक पकने दूंगी लो हीट पे। इस तरह से क्या होगा, हमारा चिकन जो है अंदर से अच्छे तरह से टेंडर हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, जूसी हो जाएगा। 5 मिनट हो गए हैं, तो चलिए अब हम इसका लिड ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, लो हीट थी तो भी इसके साइड में ये ब्राउन मसाला आ गया है। तो पहले मैं चिकन को थोड़ा सा हिला लूँगी ताकि हमारा चिकन जो है नीचे की तरफ ना चिपके, और ये ब्राउन मसाले को मैं हटा दूंगी। नॉर्मल जब हम तंदूरी बनाते हैं तो इसमें ये प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि जब हम नॉर्मल तंदूरी बनाते हैं तो उसके अंदर हम काजू का यूज़ नहीं करते हैं। अब मैं यहाँ पर मीडियम टू हाई हीट कर दूंगी और इस तरह से मैं चिकन को सारे साइड्स में गोल गोल घुमाती रहूँगी, पैन से हिलाती रहूँगी इस तरीके से, ताकि हमारे चिकन का हर साइड अच्छी तरह से पक जाए, हर साइड पे एक अच्छा सा बादामी सा कलर दिखने लगे। तो ये देखिए, मैं हर साइड से इसे अलग अलग तरीके से पकाने की कोशिश कर रही हूँ। जहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा वाइट दिख रहा है, तो देखिए मैंने यहाँ पे दिख रहा था या कच्चा मसाला दिख रहा है, तो आप उसे इस तरह से पकाएं। तो बस अब ये चिकन को देखिए मैंने हर जगह से बरका लिया है। अब आप इसका फाइनल लुक देखिए, परफेक्ट बना है। अब मैं इसे साइड में कर देती हूँ। अब यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं कि अब इस कंडीशन में आप गैस को ऑन करें और 2 से 3 मिनट के लिए इसे डायरेक्ट गैस पे रख के अलट पलट कर दें, तो इसमें एकदम तंदूरी जैसा, तंदूर वाला लुक आ जाएगा। अब इसमें तंदूर का मैं फ्लेवर देने के लिए, कोल फ्लेवर देने के लिए यहाँ पर मैंने देखिए कोल डाला है। कोल के ऊपर मैं डाल रही हूँ यहाँ पे, एक मैंने डाला है सिनेमन स्टिक। इस पर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसे इमिजिएटली ढक देंगे। ढक के हम इसे सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के लिए छोड़ेंगे, उससे ज़्यादा नहीं छोड़ेंगे, वरना हमारे चिकन में जो है कड़वा फ्लेवर आ जाएगा। तो बस अब यहाँ पर देखिए 1 से 1.5 मिनट हो गए हैं। अब मैं यहाँ पर इसे ओपन कर लेती हूँ। अब ये हमारी तंदूरी फाइनली सर्व होने के लिए रेडी है। इसे हम फेंक देंगे, कोल कोई अभी हमारे काम का नहीं है। अब आप इसका लुक देखिए, एकदम ज़बरदस्त रेस्टोरेंट जैसी बनी है। अब मैं इसे आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो सर्विंग के लिए देखिए, पहले मैंने अनियन रिंग्स ले लिए हैं, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लेमन जूस रख दिया है, यहाँ पे रखेंगे हम चिकन का हमारा लेग पीस, थोड़े से टमाटर हैं उसको मैंने थोड़ा डिज़ाइन में कट कर लिया, ऑप्शनल है। और ये देखिए, लुक में भी एकदम ब्यूटीफुल हो गया है, टेस्ट में भी ये अमेजिंग है। करीब से भी दिखा देती हूँ आपको मैं इसका लुक। तो आप ये रेसिपी घर में ज़रूर ट्राई करना, बहुत इजी रेसिपी है और ये बहुत डिलीशियस होता है। नॉर्मल जो हम तंदूरी खाते हैं उससे इसका टेस्ट काफ़ी डिफरेंट होता है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करना, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी थी। चलिए, तो अब मैं इसे एक बार तोड़ के दिखाती हूँ कि कितना सॉफ्ट एंड जूसी बना है। ये देखिए, अंदर से बहुत ही ईजिली टूट गया, बहुत सॉफ्ट बनी है हमारी ये तंदूरी। ये देखिए, अगर आपके मुंह में भी पानी आ गया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के डिलीशियस रेसिपी लेके। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। शब बखैर।